के गांव कालावाली बनाए जा रहे खेल स्टेडियम के निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में निम्न स्तर की सामग्री का प्रयोग करते पाए जाने पर रोष जताते हुए निर्माण कार्य को बंद करवा दिया। सीएम घोषणा के तहत गांव कालावाली में 80 रोड पर लगभग 1 करोड़ की राशि से करीब 6 एकड़ भूमि में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। खेल स्टेडियम के निर्माण के आसपास से युवाओं को भी काफी लाभ मिलेगा। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने देखा कि निर्माण कार्य में निम्न स्तर की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था और मौके पर विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं थे, जिसके चलते वहां पर कार्य कर रहे मजदूरों को निर्माण कार्य को रोकने को कहा और संबंधित अधिकारी को बुलाने को भी कहा गया। ग्रामीण नक्षत्र सिंह ने कहा कि निर्माण कार्य में निम्न स्तर की सामग्री का इस्तेमाल करने पर ग्रामीणों ने पहले भी कई बार ठेकेदार को रोका था, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई और निर्माण कार्य में वही सामग्री प्रयोग करते रहे। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के निर्माण में प्रयोग की गई सामग्री की जांच की जाएगी। इस संबंध में कालावाली के एसडीएम बिजेंद्र सिंह ने बताया कि ठेकेदार की ओर से निर्माण कार्य में निम्न स्तर का रेता ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था। ठेकेदार को निर्देश देकर वहां से उठवा दिया जाएगा। कालावाली से चानन सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। ये कहना चाहना जी, मतलब असी पिंड ने सारी ये स्टेडियम वास्ते 6 किले जमीन दिती है और करोड़ों का बजट है इहदा, और अज असी गांव वासी और सरपंच मैंबर पंचायत सारे इकट्ठे हुए हैं। इत्थे सानू इन्हां दा मटीरियल देखिया सी जिहड़ा घटिया मटीरियल ला रहे ने, और प्रशासन नूं असी पहलां वी इहदे बारे सूचित करिया और अज वी असी सारा कुछ मतलब दिखाया, और असी कहना चाहुंदे आ वी इह जिहड़ा घटिया मटीरियल ला रहे ने इहदी जांच होनी चाहीदी है और इहदे ते सख्ताई होनी चाहीदी है, तां कि इह लोकां दे भविख वास्ते बच्चां दे जिहड़ा खेडण वास्ते चीज़ बणी है जिहड़ी इह यादगार लंमी चल सके। कोई एसडीएम वगैरह भी जां SDM ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, SDM ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੀ ਗੌਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।